राजसमंद में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में आज राजसमंद में 24 नए कोरोना केस सामने आए। चिकित्सा विभाग में यहां हड़कंप मच गया। जिले में नए मामले सामने आने के बाद यहां कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 112 हो गई है। राहत की बात यहां पर यह है कि जिले में 21 केस ऐसे हैं जो पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं। वहीं इससे पहले बडारडा से मुंबई आए एक वृद्ध की मौत भी हुई थी, जिसके बाद चिकित्सा विभाग ने मृतक के परिवार के से 7 सदस्यों के सैंपल लिए थे और ऐसे में आज सभी 7 सदस्यों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। फिलहाल प्रशासन ने पूरे गांव को सील कर दिया। डोर टू डोर सर्वे यहां पर शुरू कर दिया गया है। तमाम तरह की एहतियात यहां पर बरती जा रही है। राजसमंद से हमारे संवाददाता गौतम शर्मा फिलहाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गौतम, देखिए लगातार ये जो आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और एक ही परिवार के 7 सदस्यों की भी रिपोर्ट यहां पर पॉजिटिव आई है, किस प्रकार के इंतजामात वहां पर? जी बिल्कुल मनीषा, आपको बता रहे थे कि राजसमंद में कोरोना पॉजिटिव के आंकड़े दिन दिन बढ़ रहे हैं जी। ऐसे में ये चिकित्सा विभाग के लिए चिंता का विषय है। बिल्कुल, आज भी सबसे ज्यादा पॉजिटिव 24 मामला है, तो अब तक कुल 112 पॉजिटिव हुए हैं जी। इसे लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद बने हुए हैं। हालांकि एक राहत की खबर है कि 21 केस जो पॉजिटिव से नेगेटिव आए हैं जी, 4-5 दिन पहले बडारडा में एक मुंबई से एक वृद्ध आया था, उसकी मौत हो गई थी, लेकिन प्रशासन सकते में आया और उनको कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार उनका अंतिम संस्कार करा गया और जो उनके परिवार के जो सदस्य हैं उनके भी सैंपल लिए गए हैं। जो 7 सदस्य उनके पॉजिटिव आए हैं, प्रशासन ने पूरी तरह उस गाँव को सील कर दिया है और उन पर नजर बनाए हुए हैं। मनीषा, ये बताना चाहता हूँ कि ये सभी करीब प्रवासी ही ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना का संक्रमण फैला रखा है और राजसमंद से जिला कलेक्टर अरविंद सिंह कोसवाल, जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव सहित सभी आला अधिकारी इस महामारी से निपटने के लिए नजर बनाए हुए हैं। बिल्कुल गौतम, तमाम अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। आपको बता दें, जिस प्रकार से कोरोना का ब्लास्ट राजसमंद में देखने को मिल रहा है, तमाम तरह के इंतजामात वहां पर कर दिए गए हैं। पूरे गांव को सील कर दिया गया है ताकि जो संक्रमण है वो फैले ना।